डॉक्टर स्वामी ने अब एक बात लिखी है, आज जो है बिहार के इलेक्शन डिक्लेयर हुए हैं, अब क्या ये पूरा का पूरा मुद्दा बिहार के इलेक्शन में छाएगा? क्या कहना है डॉक्टर स्वामी का, मैं हिना कुमावत फिल्म इंडो पे आपको बताऊंगी। डॉक्टर स्वामी ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा, प्लीज आंसर, विल द मर्डर ऑफ सुशांत सिंह राजपूत बी अ फैक्टर इन द इलेक्शन सिंस कांगी यानी कांग्रेस इन मुंबई इज साइडिंग विद पार्टीज अगेंस्ट द ट्रुथ कमिंग आउट। यानी कि आपको क्या लगता है सुशांत की मौत का फैक्टर जो है वो इलेक्शन का मुद्दा बनेगा, क्योंकि वहाँ कांग्रेस, क्योंकि मुंबई में जो कांग्रेस है वो उन लोगों के साथ है जो सच सामने नहीं आने देना चाहती है। तो इस तरह डॉक्टर स्वामी ने ट्वीट किया है और उनको ये लगता है कि ये पूरा का पूरा मुद्दा जो है वो अब इलेक्शन में इस्तेमाल किया जाएगा। एक एक करके जो पार्टी है वो इस मुद्दे को चुनेगी। आपको याद होगा बीजेपी ने भी एक पोस्टर निकाला था, स्टिकर्स निकाले थे जिसमें कहा था न भूलेंगे न भूलने देंगे। वहीं नीतीश कुमार की सरकार के भी जो प्रवक्ता हैं उन्होंने ये कहा था कि हम जो है ये मुद्दा भाषण में, सुशील कुमार मोदी ने कहा था कि हम ये मुद्दा हमारा भाषण में ज़रूर रहेगा लेकिन इलेक्शन का मुद्दा नहीं रहेगा सुशांत सिंह राजपूत। तो आज बिहार के जब इलेक्शन डिक्लेयर हुए हैं तो डॉक्टर स्वामी भी उसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि क्या सुशांत का मुद्दा अब छाएगा बिहार के इलेक्शन में, और ऐसे में कांग्रेस क्या करेगी, क्योंकि कांग्रेस जो है यहाँ पर महाराष्ट्र में उस सरकार का हिस्सा है जिसने सच को बाहर नहीं आने दिया, सच को दबा दिया। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस को इसका खामियाजा बिहार इलेक्शन में भुगतना होगा। यही बात कर रहे हैं डॉक्टर स्वामी। डॉक्टर स्वामी ने आज एक बहुत बड़ी बात बताई सुबह कि एम्स के सोर्सेस से उन्हें पता चला है कि होमिसाइड एंगल को उन्होंने रूल आउट नहीं किया है। और वही बात आज विकास सिंह जो कि सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के वकील हैं उन्होंने भी आज सुबह सुबह ट्वीट किया था और कहा था कि मुझे खुद एम्स के उन डॉक्टरों ने बताया था जो जांच में शामिल है कि 200% जो है सुशांत की गला घोटकर हत्या की गई है। तो ये काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग है कि क्यों जो है अपनी रिपोर्ट ये बाहर नहीं आने दे रहे।